तो फिर तैयार उन सभी गैजेट से मिलने के लिए आज के गैजेट जोन की वीडियो में होने वाले कुछ अतरंगी और सतरंगी गैजेट्स। एंड ये सारे गैजेट्स इजीली आपके बजट में भी आ जाएंगे और आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो फिर ले चलता हूँ आज के पहले गैजेट की तरफ। तो फिर दोस्तों, फिजिट स्पिनर का यूज क्या होता है? स्ट्रेस को रिलीव करना या फिर फन और एंजॉय करना। ओवरऑल दैट वाज अ मैग्नेटिक फिजिट स्पिनर जिसे साइडों से पकड़ के इजीली से इसे स्पिन किया जा सकता है। एंड इवन के इसके पार्ट्स को डिवाइड कर एक टॉप की तरह भी चलाया जा सकता है। इसके डिवाइड होने वाले पीस आपस में काफी पावरफुल मैग्नेटिक सोर्स के साथ ज्वाइंट रहते हैं एंड इन्हीं से इन्हें रोटेट होने में भी हेल्प मिलती है। तो एस्ट्रोनॉट्स को देखने का शौक है लाइक स्पाई मूवीज के तरह। इसका यूज ऐसा कुछ खास नहीं, इसके साथ दो प्रोपेलर्स रहते हैं जिन्हें ज्वाइन करने पर इजीली ये एक ड्रोन में चेंज हो जाता है। इसके साथ इसका कोई कंट्रोलर नहीं रहता, जस्ट इसे अपने हाथ से ही कंट्रोल करना पड़ता है। एंड इसके अपर साइड LED लाइट्स रहती है जिनमें मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है और इसे इंडोर हो या फिर आउटडोर दोनों पर्पस के लिए इजीली यूज किया जा सकता है। तो फिर गाइस, ये तुम लोगों को क्या दिख रहा है? एक नाइफ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखने में तो एक सेल्फ डिफेंस EDC गैजेट है, बट इसे आप फोल्ड कर एक फिजिट स्पिनर में भी चेंज कर सकते हैं। इट्स मीन कि इसे मल्टीपर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो डिफेंस के लिए हो या फिर स्ट्रेस रिलीफ के लिए हो। एंड सभी गैजेट के लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर ये रहा एक मैजिक प्लाज्मा बॉल जिसे आप अपने रूम में रखकर अपने होम डेकोर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ इसका एक कनेक्टर रहता है, जस्ट इसे ज्वाइंट करें एंड बूम। एंड ऑल्सो गाइस, ये आपके टच कंट्रोल से भी अपने लाइटनिंग स्टाइल्स को चेंज करता है। एंड इवन के ये आपके साउंड कंट्रोल से भी अपने लाइटनिंग स्टाइल्स को चेंज करता है। तो चाहे इसे कहीं भी रखे, चाहे अपने बेडरूम में रखे या फिर अपने गेमिंग रूम में, ये दोनों ही जगह अपना सिक्का चलवा सकता है। वैसे फुटबॉल वगैरह या फिर सॉकर वगैरह तो आउटडोर गेम्स, अगर उन्हें इंडोर में खेला जाए तो फिर क्या होगा? एज एम आई राइट? तो सारी चीजों को ब्रेक करने का इससे अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये एक फ्लोटिंग बॉल जिससे आप इंडोर में भी इजीली खेल सकते हैं। इससे वो सारी चीजें ब्रेक होने का डर खत्म हो जाएगा एंड इससे कोई चीज टूटेगी नहीं और अम्मी से डांट खाने का डर भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली इट वॉज अ फ्लोटिंग फुटबॉल जिसे इंडोर में खेलने के पर्पज से डिजाइन किया गया है। एंड ऑल्सो इसमें RGB लाइट रहता है जिस पर आप इन द डार्क में भी इससे प्ले वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, बचपन के वो दिन तो याद है ना, जब हम लोग पेपर के एयरप्लेन्स बनाकर उड़ाया करते थे एंड इवन के पेपर के बोर्ड भी बनाया करते थे। वेल, उन पेपर के एयरप्लेन्स को तो कुछ इस तरीके से लॉन्च नहीं किया जा सकता, बट इन एयरप्लेन्स को जरूर से किया जा सकता है। ऑल्सो दैट वॉज अ एयरप्लेन लॉन्चर एंड दैट्स टू बी जस्ट लाइक अ शूटिंग गेम। इसे शूटिंग गेम्स की तरह खेला जा सकता है, जस्ट एयरप्लेन्स को लगाओ और ट्रिगर को दबाओ। इसके बैक पर एक मैगजीन टाइप कुछ होता है जिसमें इसके एयरप्लेन्स को पुट करना होता है एंड ये रेडी हो जाता है अपने यूज के लिए। अगेन, सारे गैजेट्स के लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां जाकर आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे घर में LED सेवर्स किस साइज के होते हैं? अगर से इमेजिन करो तो कुछ 12 इंच, बट अगर बात करें इन मिनी LED लाइट्स की, ये जस्ट आपके फोन चार्जर के अडेप्टर में भी आ जाता है एंड इसे आप इजीली कहीं भी पुट कर सकते हैं, चाहे वो कोई लैपटॉप हो या फिर कोई स्पीकर हो या फिर कोई वॉशिंग मशीन हो या फिर इवन के कोई सॉकेट ही क्यों ना हो। ये अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेता है इजीली। एंड इसकी ब्राइटनेस की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, दैट्स बिकॉज कि इसकी जो LED लाइट्स की ब्राइटनेस रहती है वो बिल्कुल बड़े वाले LED लाइट्स की ब्राइटनेस की तरह ही रहती है। एंड इसके मिनी साइज और कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट इजीली कर सकते हैं। वेल गाइस, इन द पास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बबल गन बताई थी जिसमें आई थिंक सो के 2 होल्स थे एंड इस बबल गन में अप टू 60 होल्स हैं। इसका मटेरियल प्लास्टिक का रहता है, इसे यूज करने की जैसे इसमें सोप का वाटर पुट करना है एंड जस्ट। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक बबलर का ऑप्शन रहता है जिसके रहते इसमें कोई लीक्स वगैरह नहीं होती है। एंड ऑल्सो इन द नाइट के लिए इसमें लाइटनिंग इफेक्ट्स का यूज भी किया गया है एंड वेन लिथियम बैटरी रहती है इसमें और साथ ही एक USB चार्जिंग केबल भी प्रोवाइड किया जाता है। इट्स मीन के चार्जिंग खत्म भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही खत्म हो रिचार्ज करें एंड दोबारा से यूज करें। वेल, मोस्टली घरों में तो कैट्स वगैरह होती ही है एंड वो आपके होम के चीजों को अपने प्लेइंग पर्पस के लिए यूज करती है। एंड इन केस कभी तो ऐसा भी हो जाता है वो ऐसा करते वक्त होम के चीजों को तोड़ देती है। ओवरऑल ये है एक इलेक्ट्रिक कैट बॉल जिससे ये होगा कि आपके घर की कैट आपके चीजों को नहीं तोड़ेगी बल्कि इसी के साथ ही मगन रहेगी। बेसिकली ये एक सेल्फ रोलिंग बॉल है जो कि ऑटोमेटिकली रोटेट करता है। एंड ऑल्सो मुझे इसका सबसे कमाल का फीचर ये लगा कि ये ऑटोमेटिकली अवॉइड करता है ऑब्स्टिकल्स को, जिसके चलते इसे खरोच तक नहीं पहुंचती है। इसके बैक साइड में एक चार्जिंग पोर्ट रहता है जिससे किसी भी टाइप सी के चार्जर से इजीली चार्ज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये अगर एक जगह कहीं पर रुक जाए तो फिर ये अपने आप को पावर ऑफ कर देता है एंड ऑल्सो टच करने पर ये इंस्टेंटली रीएक्टिवेट हो जाता है।
Well, I hope you will enjoy the video. So subscribe Gadget Your Zone and press the bell icon for more latest gadgets updates. तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक ऐसे ही अमेजिंग गैजेट वीडियो एंड बाय।